जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कैट ट्रिप पे, और यहाँ यूसुफ साहब का जो सवाल आते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल था उनका, यूसुफ साहब का, कि क्या कैट ट्रिप जो है वो लाजमी एक सिचुएशन है, हर एक को होगी? देखिए, कैटरैक्ट जो एज रिलेटेड होता है या उम्र के साथ होता है वो डेफिनेटली होता है। जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, इफ़ यू लिव लॉन्ग इनफ तो यू डू लैंड अप विद कैटरैक्ट, क्योंकि ये एक एज का प्रोसेस है, एक एजिंग इससे प्रोसेस है अच्छा जो क्या, नेचुरल। पर ये तो ऐसा हो गया, इससे छोटी छोटी जिंदगी हो तो कैटरेक्ट नहीं होगा। नहीं तो अगर कैटरेक्ट हो भी जाए तो अब तो इट्स नॉट अ बिग डील ना, तो उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतनी अभी हम लेटेस्ट इसकी हैं। हाँ ट्रीटमेंट पे भी जी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो कैटरेक्ट जो है लाजमी प्रोसेस तब हो जाता है इफ यू एजिंग के लिव साथ जो लॉन्ग होता है, इनफ। लिव यू लॉन्ग इनफ, और एजिंग प्रोसेस है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होंगे, फेस पे रिंकल्स होंगे, आप कितनी भी केयर कर लें, सो आपके मसल्स लैक्स होंगे, बोन्स वीक होंगी, इसी तरह जो लेंस है आई का अच्छा उसके अंदर चेंजेस ओके, आती क्या हैं। चीज़ें हैं, क्या वजूहात हैं कि ये प्रोसेस जो एक्सेलरेट हो सकता है? एक्सेलरेट हो जाए, एक्सेलरेशन के लिए ये है कि अगर आपका सनलाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, अगर आपकी कोई सिस्टेमिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, इसके अलावा कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अगर आप कोई मेडिसिंस यूज़ कर रहे हैं स्पेशली जिनको, मेडिसिन्स हाँ जिसको स्टेरॉइड्स कहा जाता है, स्टेरॉइड्स अगर आप कहाँ यूज कर रहे हैं? स्टेरॉइड्स आईज़ में एज अ ड्रॉप फॉर्म में यूज़ आईज कर रहे में हैं यूज या कर रहे आप हैं। ओरली भी ले रहे हैं। स्टेरॉइड्स बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस के लिए ट्रीटमेंट होता है हाँ बेसिकली। हाँ सो बिल्कुल। जो लोग लॉन्ग टर्म पे होते हैं उनको कहा जाता है कि आप आँखों का मुआयना बहुत रेगुलरली करवाएं, बिकॉज उससे बोथ कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जिसको काला मोतिया कहते हैं दोनों चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी इट गोज इट्स डायबिटीज़ सेम के लिए वे, भी नहीं बहुत एक्सेलरेट होता कहते हैं है। हर 6 महीथ में यू नीड टू गेट राइट जी, वो चेक? तो सिर्फ वो तो बेसिकली इसलिए होता है कि पीछे के पर्दे पे जो उसका असर हो रहा होता है, लेकिन मोतिया भी डायबिटीज़ की कंडीशंस के अंदर एक्सेलरेट हो जाता है। सो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स वुड एक्सेलरेट कैटरेक्ट। ओके ठीक है। अच्छा तो लास्ट में सिचुएशन तब हो जाती है जैसे जैसे एज होती है उसके साथ ये सिचुएशन हो सकती है। एज रिलेटेड हाँ कैटरेक्ट एज में, रिलेटेड, हाँ ये वो बात हो गई, किसी को रिंकल जल्दी आ गया, किसी को लेट आ गया, है ना? समथिंग लाइक अच्छा दैट। जी, अच्छा जी, अगला सवाल था कि सिंपल एग्जामिनेशन जो पीपल डायलेट करके किया जाता है, दैट एग्जामिनेशन इज मोर देन इनाफ? इट इज़ मोर देन इनाफ अगर आपकी कोई पैथोलॉजी या कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आपको आँख की नज़र का चेक करना, उसके बाद आँख का प्रेशर चेक करना, उसके बाद पुतली को आँख का और इंटीरियर कैटरा के एरिया चेंजेस देखना, अगर हुए तो वो भी तो इसी वो में इसी पता में चल पता जाते चल जाती हैं? हैं। पुतली को जब डायलेट करके पीछे का पर्दा चेक किया जाता है तो लेंस को भी बहुत डिटेल में देखा जाता है, ओके और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होती हैं तो वो यूजली पिक हो जाती हैं। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम पिक हुई है तो फिर उसके लिए फर्दर टेस्टिंग रिकमेंडेड होती है, लेकिन अगर आपकी आई इन सब टेस्टों के बाद नॉर्मल आई है तो यूजली और रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं, अनटिल अनलेस कि कोई आपकी ऐसी चीज़ें हों कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी मारूसी चीज़ें हों जिसके लिए वो फिर आपको अगर फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत, जैसे कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लकोमा है, काले मोतिया की फैमिली हिस्ट्री है, तो 40+ के ऊपर फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आई एग्जामिनेशन कराएं, और अगर कोई फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है तो बताएंगे, बट अदरवाइज दिस टेस्ट इज़ कम्प्लीट। ठीक है जी। अच्छा यूसुफ साहब का तीसरा सवाल और भी बहुत सारे सवाल है जो हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। एक छोटे से पैकेज है जी हमारे पास आँख के ऊपर, पहले वो पैकेज चल के देखते हैं फिर और बात करें। इंसानी आँख के लेंस में मौजूद प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। आमतौर पर ये एक लंबे अरसे बाद होता है। ज्यादातर ये उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से होता है। जब ऑप्थेल्मिक सर्जन आँख का मुआयना कर लेता है तो प्यूपिल को डायलेट या बड़ा करने के लिए उसमें ड्रॉप्स डाले जाते हैं। इन ड्रॉप्स की वजह से सर्जन बआसानी आँख के लेंस को देख सकता है। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स आंख में डाले जाते हैं जिनसे आंख पूरी तरह सुन हो जाती है। बाज़ औक़ात ड्रॉप्स की जगह लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आंख की बैरूनी सतह पर एक छोटा कट लगाया जाता है। ये कट इतना छोटा होता है ऑपरेशन के बाद स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेंस को तोड़ने के लिए एक अल्ट्रासाउंड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेंस एक बारीक लेंस कैप्सूल के अंदर होता है। एक छोटी सी ट्यूब के जरिए लेंस के पीसेस को लेंस कैप्सूल से निकाला जाता है। इसी कट से एक आर्टिफिशियल लेंस को आंख के अंदर रखा जाता है।
अंदर जाने के बाद आर्टिफिशियल लेंस पुराने लेंस की जगह ले लेता है। ऑपरेशन के बाद आंख पर ड्रेसिंग लगाई जाती है ताकि आंख महफूज रह सके। इस ड्रेसिंग को ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद तक पहनना लाजमी होता है। अभी आपने एक छोटी सी सर्जरी जो है, जो लेंसेज का उनका चेंज हुआ है, वो देखा आपने एक डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू। अब हम इस पर और भी बात करते हैं। एक कॉल लीजिए हमारे पास, फिर वो अटेंड करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कॉल की आवाज नहीं आ रही, हम दूसरी कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। है जी, सिंधी से तारिक मसूद बोल रहा हूँ। जी तारिक साहब, कैसे हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये पता करना था कि ये जो रात को ग्लेयर पड़ती है लाइट्स की, बहुत ज्यादा अब नॉर्मल ग्लेयर पड़ती है लाइट्स की। जी हाँ, इसकी क्या वजूहत होती हैं? ओके, और इसको कैसे जो है ट्रीट किया जा सकता है? ठीक है, हमारे पोल का जवाब नहीं देंगे सर जी? कहाँ गए? हेलो जी। हाँ जी, पोल का जवाब देंगे हमारे? जी मैंने वो सुना नहीं। अच्छा, आपका टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत लाउड है, आपको फिर भी आवाज नहीं आएगी, अगर आप उसको बंद कर दें तो? जी मैं बंद करता हूँ। कर दिया? बंद कर दे जी। अच्छा क्यों? अच्छा जी, हो गया? जी हो गया। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है कि क्या बड़े बड़ों की सारी बातें जो होती हैं वो 100% करेक्ट होती हैं? तकरीबन 70%। ये ओके, अब कोई 90% के बोल रहा है, कोई 100%, एक ने तो आके कहा 50-50, आप 70%। 30% क्या छोड़ दिया आपने? वो नए हालात के मुताबिक। वेरी नाइस, दैट इज द अप्रोच, वेरी गुड। अच्छा जी चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉल, आपके सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा जी, एक और कॉल है साथ में, वो भी अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भैया? लाइट जल्दी आ गई। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आपकी कॉल को बहुत मिस कर रहे हैं आजकल भाई। मैं भी आपके प्रोग्राम को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि बड़ा इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह मिलती है, बड़ा हेल्थी प्रोग्राम है डेली। अच्छा, फोन का सवाल क्या था? वो आपने बड़े बूढ़ों के बारे में पूछा था ना, कि वो कितनी बातें उनकी सही होती है, तो परसेंटेज के मुताबिक बताना क्या? हाँ, परसेंटेज के मुताबिक बता दे। नहीं, आई कैन परसेंटेज के मुताबिक आई कैन टेल यू अबाउट द परसेंटेज, लेकिन मुझे ये पता है कि ज्यादातर सही होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट, आपका एज चेंज हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें आजकल के दौर में एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन बेसिक रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए उनके, जो हमेशा प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग जो फेस कर रहे होते हैं ना, उन्होंने वो चीजें फेस नहीं की होती, अल्टीमेटली दे डोंट नो अबाउट दैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही अप्रोच है ऐसा। बिल्कुल, मैं फिर भी कहूंगा कि उनकी बात को सुनना जरूर चाहिए, सुनना जरूर चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, रेटिनी है, डॉक्टर साहब से मुझे सवाल ये करना है कि आई तो जाहिर है इंसान की सबसे बड़ी नेमत ही मेरे ख्याल में आंखें, जिसकी वजह से सारी दुनिया को देख रहे हैं वो। मेरा कहने का मकसद ये, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे बैठते हैं, बहुत ज्यादा फेसबुक ये वो चीजें यूज करते हैं, और काफी देर तक बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे। मोस्टली बहुत से लोगों से मैं, एक डॉक्टर साहब है वो कहते हैं कि कंप्यूटर पे बैठने से इतने ज्यादा आंखों पर असर नहीं आता, लेकिन आई वांट टू नो द रीजन, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, हर आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, और अगर आपकी आंखें थक रही है तो उसके लिए क्या बेहतरीन तरीका है उसको क्यों करने का? थैंक यू। ठीक है जी, आया था, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। कंप्यूटर यूसेज और टीवी स्क्रीन जो बहुत ज्यादा हम फेस करते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले यूसेज आपका तीसरा सवाल वहाँ पे जाते हैं कि आँख क्या बचपन से बुढ़ापे तक एक ही साइज की रहती है? हाथ बड़े हो गए, पांव बड़े हो गए, टमी बड़ा हो गया, आँख ऐसा नहीं होता है। आँख जो होती है वो एज के साथ उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है? आँख के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चे ग्रोथ पीरियड में होते हैं, प्यूबर्टल पीरियड में होते हैं, तो उनको अगर कोई उनको नज़र की नज़र का चश्मा लगा हुआ है तो उसमें बहुत रैपिडली चेंजेस आती हैं। आँख की जो नज़र होती है यूजुअली स्टेबलाइज करती है 20-21 साल की उम्र पे जाके, और वो टाइम होता है जब हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी अगर किसी को करनी होती है, या जिसको लेसिक कहा जाता है, उस एज ग्रुप में किया जाता है। वो पहले इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आँख में चेंजेस आ रही होती हैं। इसी तरह जैसे बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से वो 10-12 साल का होता है, उसमें भी उसके आइज़ के अंदर जो ग्रोथ के साथ चेंजेस आती हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक इंसान की जो
सामने का कॉर्निया है उसके साइज के अंदर उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। तो नहीं, ये कहना कॉन्सेप्ट गलत है कि जी वो जैसी है वैसी ही रहती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब तारिक साहब का सवाल कि वो रात के वक्त आंखों में ग्लेयर होता है। तारिक साहब का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो लोग नाइट ड्राइविंग करते हैं और सामने से जब हेडलाइट्स आती हैं तो इतना ज़बरदस्त ग्लेयर होता है कि पीपल समटाइम्स लैंड अप इन एन एक्सीडेंट। हाँ, तो रीज़न उसकी ये, उसकी रीजंस तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, यूजुअली अगर एक किस्म का कैटरेक्ट होता है जिसको पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं। लेकिन इज़न्ट इट नेचुरल?